मैं डॉक्टर नीता कानन को आज अपन बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्रांजिशन एलिमेंट पार्ट 10 में कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट का बाकी पार्ट स्टडी करेंगे। इसमें हम टाइटेनियम H2O होल 6+3 एग्जाम्पल की विवेचना करेंगे, जिसमें है कि ये गहरे पर्पल रंग का होता है। इसमें टाइटेनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखते हैं तो वो D1 विन्यास का है। लिगेंड यानी जल के 6 अणु इसमें जुड़े हुए हैं। इससे ये कि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, और चूँकि ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में अपन जानते हैं कि EG कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं, जबकि T2G कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर रहेंगे। ऐसी स्थिति में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, जब अपन टाइटेनियम के 5 समान ऊर्जा वाले डी कक्षक है जैसा कि डायग्राम में दिखाया है, तो पहला इलेक्ट्रॉन XY में है। जब इन द एब्सेंस ऑफ लाइट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में जाएगा, जैसा कि डायग्राम में क्लियर है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन XY चल में गया, जब इसके इस ये लाइट के कॉन्टैक्ट में आता है तो इनके बीच का डिफरेंस Δ0 जो है वो 4×10^-12 अर्ग्स यानी 500 nm लैम्डा का है। इस तरंग दैर्ध्य को ये एब्जॉर्ब करता है सब, और उसके ग्रीन पार्ट को एब्जॉर्ब करता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है T2G1, ये इलेक्ट्रॉन EG कक्षक में चला जाता है और EG कक्षक के Z² ऑर्बिटल में चला जाता है। और ये जो एब्जॉर्ब किया इसने ग्रीन कलर पर, हमें इसका लौटा हुआ प्रकाश, जैसा कि हमने पिछले उसमें देखा था कि पूरी टेबल दी हुई थी कि जिस वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें पर्पल दिखाई देगा। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को हम DD ट्रांजिशन कहते हैं। यानी XY ऑर्बिटल जो था उससे Z² ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हुआ, उसकी वजह से जब कलर हुआ, उसे हम DD ट्रांजिशन कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ डी ट्रांजिशन। तो 5वें डी ऑर्बिटल जो उसी डी ऑर्बिटल के एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को DD ट्रांजिशन कहा जाता है। यदि लिगेंड समान है और अणुओं की ज्यामिति भी समान है तो DN से D10 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर उसका कलर लगभग समान आता है। जैसे D0 और D10 विन्यास है, ये रंगहीन होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, क्योंकि इसमें कोई डी ऑर्बिटल नहीं है तो DD ट्रांजिशन की कोई संभावना नहीं रहती। तो ये ऑर्बिटल, इनके कॉम्प्लेक्सेस कलरलेस होते हैं D0 से D10 वाले, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से डी ऑर्बिटल फिल्ड है। D5 विन्यास वाले धातु आयन जो होते हैं वो अर्धपूरित विन्यास है, इनमें DD ट्रांजिशन की संभावना नहीं होती है, पर इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस कारण Mn+2 और Fe+3 लाइट कलर के होते हैं, लाइट पिंक कलर का कलर देते हैं। इस तरह से उनका कॉन्फिगरेशन अपन देखते हैं वो लाइट पिंक कलर के होते हैं। तो इस तरह से DD ट्रांजिशन में जो कलर है वो हल्के कलर के आते हैं कंपैरिजन टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, 4, उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर से ऑलमोस्ट कलर, यदि ज्यामिति भी समान है और लिगेंड भी समान है, तो उस केस में कलर लगभग सिमिलर आते हैं। बुक में इसकी टेबल दी हुई है जिसमें कि प्रथम संगमन श्रेणी की धातु के विभिन्न आयनों का रंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, जैसे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो गहरा बैंगनी रंग आता है या नीला कलर आता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ग्रीन कलर आता है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बैंगनी कलर आता है, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अगेन ब्लू कलर आता है। तो इस तरह से अपन इसको कलर को डिस्कस करते हैं। अब इस कलर का दूसरा रीजन जो है वो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, तो वो हम इसको कल स्टडी करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।